नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी है उस पर आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, PGCIL JEE की। तो PGCIL JEE की जो बेसिक सैलरी होती है 25,000, 25,000 बेसिक होता है। BA जो है प्रेजेंट टाइम में वो रिवाइज हो चुका है सेंटर गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंटर की है। दैट इज 42% ऑफ 25,000 विच इज इक्वल टू 10,500। ओके, एंड HRA इज 24% ऑफ 25,000 विच इज इक्वल टू 600। एंड बेसिक प्लस DA प्लस HRA, ठीक है, ये तो हर जगह रहता है। ठीक है, HRA जनरली पावर ग्रिड वहां पे प्रोवाइड करता है जहां पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पे कॉलोनी नहीं होती, बट क्योंकि पावर ग्रिड की अपनी कॉलोनीज होती हैं, तो ये इसको डिडक्ट कर देते हैं, ये काट देते हैं अगर कॉलोनी मिल जाती है। देन देयर इज अ पर्क्स। पर्क्स आर 35% ऑफ 25,000 विच इज इक्वल टू 8,750। पर्क्स इसलिए गिवन होते हैं यहां पे बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। एनी कंपनी विच इज इन द प्रॉफिट इट प्रोवाइड्स पर्क्स टू इट्स एम्प्लॉयज। फॉर एग्जाम्पल इन UPPCL, UPPCL डिस्कॉम्स आर इन लॉसेज, सो दे डोंट प्रोवाइड एनी पर्क्स। दे हैव अ बेसिक, दे हैव अ DA, दे हैव अ HRA, बट when we talk about this particular organization, it provides perks also, ठीक है, and then the total salary will be basic plus DA plus HRA plus perks is equals to 50,250. So total salary will become 50,250 rupees. This is a monthly salary. Okay, this particular salary is a monthly salary. It is less than UPPCL. It is less than UPPCL, but it is a Maharatna company. It give more allowances and well, and so the salary, the annual salary become too high. Annual, ठीक है? There is a difference between annual salary and the monthly salary. Annual salary मतलब साल का, ठीक है? And monthly will be month. मंथली सैलरी ऑफ PGCIL JEE इज ऑलवेज लेस देन UPPCL JEE, बट वेन वी टॉक अबाउट ईयरली सैलरी और एनुअल सैलरी, इट इज द मोस्ट हाइएस्ट। वाई? बिकॉज इन एनुअल सैलरी दो तीन और एड हो जाते हैं अलाउंसेज, लाइक लैपटॉप अलाउंस दे विल गिव यू फॉर एनुअल। ओके, नेक्स्ट they also give you furniture allowance. Okay, these allowances are not provided by the UPPCL, ठीक है, or any other state government organization. These are only provided in these particular type of companies. Okay, PSU companies. Okay, like laptop, furniture, and they will also provide PRP. ठीक है, PRP. What is the meaning of this PRP? This PRP meaning is performance related pay. ठीक है, what is the performance related pay? It is basically depend upon the performance of the company, the profit of the company, what the company have actually gained after selling the transmission of electricity. This is known as PRP, the profit which the company get through its क्या बोलते हैं एनुअल टर्नओवर। ओके, सो पीआरपी इज द परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। इट इज आल्सो नोन एज बोनस इन द लोकल लैंग्वेज। इन लोकल लैंग्वेज इट इज नोन एज द बोनस, एंड दिस पीआरपी इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर एनुअल सैलरी, एंड योर एनुअल सैलरी विल अप्रोक्सीमेटली बिकम्स 9 लाख रुपीज टू 10 लाख। दिस इज ईयरली 9 to 10, which is a very, very huge package for any initially joined, newly joined electrical engineer. It's a very good company. It's a very good company, but this company employees are not having their original powers. Okay. They are not as powerful as the state government JEEs. Okay. So they are just only simple employees. But they have a numerous amount of facilities which are given by the company.
द पीएसयू नोन एज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. सो इट इज अ वेरी हैंडसम सैलरी, वेरी हैंडसम सैलरी. मंथली सैलरी इज 50,250 मंथली. इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट एट स्टार्टिंग लेवल. बट दिस पर्टिकुलर सैलरी विल बी गिवन बाय द कंपनी आफ्टर वन ईयर ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड. ओके, दिस पर्टिकुलर सैलरी विल बी गिवन बाय द कंपनी आफ्टर वन ईयर ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड. बिफोर ट्रेनिंग पीरियड यू आर अब्सॉर्ब्ड एज अ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एट अ पर्टिकुलर स्टाइपेंड गिवन बाय द कंपनी. एंड इन दिस पर्टिकुलर स्टाइपेंड देयर आर नो डीए, नो एचआरए, नो पर्क्स. ओनली स्टाइपेंड इज गिवन ओनली ड्यूरिंग ट्रेनिंग. दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी. When we compare this particular company with the UPPCL, there is a more advantage in UPPCL for a freshly joined engineer because UPPCL is the only department which gives the full salary during training period. But when we talk about PGCIL, when talk about NPCIL, when talk about all other organizations which hires the diploma trainees or you can say the junior engineers, that hires the diploma trainees or junior engineers or other electrical engineers, they just give stipend during the training, which is, I think that this is not a good step of these Maharatna PSUs. They just give stipends and the workload is very too much high today. Let us take example of NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. Nuclear Power of Corporation of India Limited also give very less stipend during the training period, and after the 2 years of training period, it will give you the full salary. Okay, but here disadvantage is what? Here is only one disadvantage, is that when you will clear exam, and after clearing the exam, you will absorbed as a junior engineer electrical, you will get only stipend. Okay, and after completion of the training, because this particular thing is clearly written in their notification that after completion of training, they will provide you the full salary. And when we talk about the salaries, it is divided into two parts. Because it is a Maharatna company, the salary is divided into two parts, monthly and annual salary. Monthly salary includes these particular parameters like basic, DA, HRA, perks and the total. But when we talk about the annual salary will include all of the benefits which are provided by the company. It will include laptop allowance, it will include furniture allowance, it will include PRP, bonuses, and the whole thing will become, and the whole package will become very, very high, like 9 to 10 lakhs. So please join this if you have a very, very good score. आंसर की सबने देख ली होगी, ठीक है ना. इफ यू हैव सीन योर आंसर की एंड यू हैव अ स्कोर बिटवीन 110 टू 115 मार्क्स, देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एंड व्हाट आई हैव स्कोर्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, आई हैव स्कोर्ड 108.25 बिकॉज आई एम अ जनरल कैटेगरी. सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्कोर इज नॉट टू मच, बिकॉज आई थिंक कट ऑफ जो रहेगा 110 से 115 के ही बीच में रहेगा, ठीक है. इतना चला जाता है तो दैट इज गुड, बट आई थिंक 110 दो ढाई नंबर कम पड़ गए हैं मेरे, ठीक है. टू एंड हाफ नंबर आई हैव स्कोर्ड लेस रिसेंटली हेल्ड पावर ग्रिड एग्जामिनेशन. बट दीज आर द सैलरीज एंड यू कैन सी दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, थैंक यू.